हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 16 और इस पार्ट में आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सो दिस पार्ट इज़ अबाउट विजुअली इम्पायर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। विजुअली इम्पायर्ड पर्सन है मतलब जो जिनकी विजुअल्स ख़राब है, जिनकी जो है देख नहीं पा रहे हैं, देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पर्सन कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग के लिए हमारी जो आई साइट का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी आई साइट वीक है, जो विजुअली इम्पायर्ड है, विजुअली जिनको कमज़ोरी है, विजुअल नहीं दिखते हैं, तो वो कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो लेट्स सी। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पायर्ड। कुछ लोग इवन बच्चे भी क्या होते हैं, विजुअली इम्पायर्ड होते हैं, मतलब उनकी जो नज़र है वो ख़राब होती है, कमज़ोर होती है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। उनका विजन बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है कि वो देख पाएँ, मतलब बहुत कम जो है उनको दिखाई देता है। सम पर्सन कैनॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही नहीं देख पाते, कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता है। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज़ और एन इंजरी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी चोट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से जो है, डिजीज़ की वजह से जो है आई साइट ख़राब हो गई हो, चली गई हो। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। और ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग चीज़ों को पहचानने के लिए क्या करते हैं, उनको छू कर देखते हैं या जो वॉइस है उनको और ध्यान से सुनते हैं ताकि जान पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ लोगों को और चीज़ों को। दे डेवलप देयर अदर सेंसेज मोर शार्पली। अब वो जैसे उनकी आई है वो काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करेंगे, उनके जो बाकी के सेंस ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, ज़्यादा तेज काम करने लगेंगे। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. हालांकि बहुत सारे additional resources हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो उनको अच्छे से उनकी capabilities हैं उनको develop करने में help करते हैं, उनके और वो काम कर पाएँ easily, उनकी help करते हैं। उनके कुछ equipments वगैरह हमारे पास आजकल बन गए हैं, develop हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके जो बाकी जो sense हैं उनका काफ़ी जो है साथ देते हैं। अगर किसी blind person की अगर बात करें तो blind person की जो बाकी की जो senses हैं वो काफ़ी sharp होते हैं, even किसी normal person से ज़्यादा शार्प होते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड्स फॉर विजुअली इम्पायर्ड। विजुअली इम्पायर्ड लोग होते हैं जिन, तो उनके लिए कुछ नॉन ऑप्टिकल और कुछ ऑप्टिकल एड्स होते हैं। ऑप्टिकल मतलब जो देखने से रिलेटेड होते हैं और नॉन ऑप्टिकल मतलब जो जिनमें ऑप्टिकल चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स। तो नॉन ऑप्टिकल्स में जो दिखाई देने से संबंधित नहीं होता है उनके अंदर क्या आते हैं, विजुअल एड्स जो आते हैं, विजुअल एड होते हैं उसके, मतलब विजुअल सहायता होती है। उसके अलावा जो है टेक्चुअल एड्स होती है, मतलब टच से रिलेटेड जो है हेल्प होती हैं जो कि टच के सेंस को उनको एनहेंस करती हैं। उसके अलावा ऑडिटरी एड्स होती हैं जो सुनाई देने से, हियरिंग वाले जो है उनके लिए हियरिंग सेंस के यूज़ करके उनकी हेल्प करती है। एड्स मतलब हेल्पफुल थिंग्स। विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंस। अब जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब पूरा ब्लाइंड नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत दिखता है खाली, विजुअली उनका विजुअल कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों के लिए विजुअल एड्स होते हैं, विजुअल हेल्प होती है जो कि वर्ड्स को मैग्नीफाई करके, बड़ा करके दिखा सकते हैं। उसके अलावा उसके प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर इंटेंसिटी दिखा सकती हैं, शो कर सकती हैं, प्रोवाइड करा सकती हैं। एंड मटेरियल प्रॉपर डिस्टेंस, सही डिस्टेंस पर मटेरियल को प्रॉपर जो है अवेलेबल करा सकते हैं ताकि जो पर्सन है ईजिली देख पाए। टेक्चुअल एड्स इंक्लूड ब्रेल राइटर्स, स्लेट एंड स्टाइलस, हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। जो टेक्चुअल एड्स के अंदर है, मतलब टच रिलेटेड एड है, उनके अंदर ब्रेल राइटर स्लेट और ब्रेल राइटर स्टाइल्स होते हैं जो उस विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करते हैं नोट्स लेने में, रीडिंग करने में या राइट करने में। मतलब ब्रेल राइटिंग स्लेट्स आती हैं, ब्रेल राइटिंग स्टाइलस आते हैं जिनके हेल्प से जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो लिख सकता है, रीड कर सकता है, नोट्स ले सकता है। ऑडिटरी एड्स इंक्लूड कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर्स, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइसेस। और ऑडिटरी एड में क्या आएंगे, सुनने वाली एड्स में, हेल्प्स में क्या आएंगी, कैसेट्स आएंगी, टेप रिकॉर्डर्स आएंगे या फिर टॉकिंग बुक्स आएंगी, या इसके अलावा कुछ ऐसे डिवाइस आएंगे जिनमें बोलकर सुनकर जो है वो उसकी हेल्प ले सकें, कुछ लिख पढ़ सकें, कुछ सुन सकें, समझ सकें।
इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टेकिंग टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स। और इलेक्ट्रॉनिक एड्स के अंदर क्या आते हैं, टॉकिंग कैलकुलेटर्स आते हैं, कोई कैलकुलेटर स्पीक करते हैं तो उनके अंदर वॉइस इन्फ्लुएंस फंक्शन होता है। उसके अलावा कंप्यूटर्स होते हैं, टॉकिंग कंप्यूटर्स जो बात कर सकते हैं, जो भले ही पर्सन देख नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, उसका कोडिंग काम तो कर सकता है। और ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं जिनको वो कर सकते हैं इनकी हेल्प से, टॉकिंग कैलकुलेटर और टॉकिंग कैलकुलेटर और कंप्यूटर्स। बहुत सारे कैलकुलेशन वाले टास्क होते हैं वो कंप्लीट किए जा सकते हैं। क्लोज सर्किट टेलीविज़न सीसीटी ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एड। सीसीटी क्लोज सर्किट टेलीविज़न भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एड है जो कि क्या करता है, एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल विद सूटेबल कॉन्ट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन। सही कॉन्ट्रास्ट और सही रोशनी से, सही इल्यूमिनेशन से क्या करता है, इन प्रिंटेड लेटर्स को, प्रिंटेड मटेरियल्स को क्या करता है, एनलार्ज कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। Nowadays, use of audio CDs and voice boxes with computers are also very helpful for listening to and writing the desired text. आजकल के टाइम पे ऑडियो कैसेट हैं, CDs आ गई हैं या वॉइस बॉक्सेज आ गई हैं जिसमें कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं किसी भी चीज़ को लिसन करने के लिए, समझने के लिए, या फिर उसके ज़रिए आप कोई भी टेक्स्ट है वो राइट या टाइप भी कर सकते हो। ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड्स बाईफोकल लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज, टिंटेड लेंसेज, मैग्नीफायर्स एंड टेलीस्कोपिक एड्स। और ऑप्टिकल एड्स में जो ऑप्टिकल्स मतलब जो देखने के लिए काम में आती हैं, उनके अंदर क्या क्या आती है, बायोफोकल लेंस होती हैं मतलब जिसके अंदर दो लेंसेज होती हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ आते हैं, टिंटेड लेंस रंगीन लेंसेज आती हैं, जब तक कोई कलर ब्लाइंड है तो उनके लिए टिंटेड लेंस यूज़ आएंगे, मैग्नीफायर जिनको कम दिखता है उनके लिए मैग्नीफायर्स आ जाएंगे, और इसके अलावा टेलीस्कोपिक एड्स वगैरह जो है, टेलीस्कोपिक हेल्प है वो मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। While the lens combination are used to rectify visual limitations, telescopic ads are available to view chalkboard and class demonstration. जो बाकी के जो lens combination हैं वो visual को rectify करते हैं, मतलब visual limitation जो आपको कम दिखता है उस कमी को दूर करेंगे, जो आपके नज़र में जो कमी है उसको दूर करते हैं, जबकि telescopic ads क्या करती हैं, वो chalkboard और class demonstration provide कराती हैं कि आप उसको easily है class के जैसे ही आप उसको पढ़ सके कोई भी जो है विजुअली इम्पायर्ड पर्सन है। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। अब ब्रेल सिस्टम क्या है, हमारे पास यहाँ पे ब्रेल स्लेट वगैरह का जिक्र आया था, तो वो क्या है एक्चुअली, द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। सबसे पॉपुलर रिसोर्स है पढ़ने का लिखने का विजुअल चैलेंज पर्सन के लिए, वो क्या है, ब्रेल है। ब्रेल एक जो है लैंग्वेज है एक तरह की। लुईस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन। लुईस ब्रेल जिन्होंने ये जो है बनाई थी ये लैंग्वेज, वो खुद जो है विजुअली चैलेंज थे, उनको देखने में प्रॉब्लम आती थी। डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। उन्होंने क्या किया, विजुअली इम्पायर्ड पर्सन के लिए, जो विजुअली चैलेंज पर्सन है उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया और उसको पब्लिश किया 1821 में। सो लुईस ब्रेल की हमारे पास यहाँ पिक्चर दी हुई है। The present system was adapted in 1932। और आज जो सिस्टम हम देख सकते हैं, अगर किसी भी ब्रेल सिस्टम अगर आपने देखा होगा, तो आज के टाइम पे जो ब्रेल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होगा वो 1932 में उसको अडेप्ट किया गया था इसी ब्रेल लुईस ब्रेल वाली सिस्टम से। देर इज़ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, मैनी एंड साइंटिफिक नोटेशन। अभी ब्रेल को बहुत सारे ब्रेल कोड अवेलेबल होते हैं कॉमन लैंग्वेजेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक जो नंबर्स या सिंबल्स होते हैं उन सबके लिए अलग अलग ब्रेल कोड होते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। और आज के टाइम पे बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं जो ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके ईजिली पढ़ी जा सकती हैं। ब्रेल सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न और कैरेक्टर। ब्रेल सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स आते हैं। ईच कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट अ लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। हर जो कैरेक्टर है वो एक या तो एक लेटर को डिस्क्राइब करेगा या फिर जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को डिस्क्राइब करेगा। अ कॉमन वर्ड और अ ज्योमेट्रिकल साइन, डॉट्स आर अरेंज इन सेल ऑफ टू वर्टिकल रोज ऑफ थ्री डॉट्स। अब जो ये जो करेक्टर हैं, या तो एक लेटर को बता सकते हैं कि एक लेटर के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, या फिर कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर बता सकते हैं, या फिर कॉमन वर्ड बता सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रामेटिकल साइन है वो बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉमा और एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह, उन सब के लिए अलग अलग जो है डॉट्स यूज़ किए जाते हैं।
सो ये अभी डॉट्स कैसे अरेंज होते हैं, दो सेल्स में होते हैं, टू वर्टिकल रो होती हैं और थ्री डॉट्स होते हैं हर में, जो दो है ये दो वर्टिकल रो होगी, हर के अंदर तीन डॉट यूज़ आते हैं, तो उनके जो है अलग अलग यूज़ करके कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सी के लिए ये सिस्टम है, ए के लिए ये सिस्टम है और टी के लिए ये सिस्टम है, तो इनको कोई भी जो है विजुअली इम्पैर्ड पर्सन को छू के देख सकता है, उनके उभार उभरे हुए होते हैं, क्योंकि ये इनके उभार को देख के समझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है, कैट लिखा हुआ है। एंड के लिए ये सिंबल यूज आता है और कॉमा के लिए ये सिंबल यूज आता है। पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। ये कुछ जो है कुछ सिंबल्स और कुछ पैटर्न्स हैं इंग्लिश के बता रखे हैं हमको यहाँ पे। दीज पैटर्न्स व्हेन एम्बोज्ड ऑन ब्रेल शीट हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड बाय टचिंग टू मेक देम इजियर टू टच द डॉट्स आर रेज स्लाइटली। अब कोई भी जो है विजुअली इम्पैर्ड पर्सन है, विजुअली चैलेंज पर्सन है, इनको छूकर आराम से, क्योंकि उभरे हुए होते हैं, उकेरे हुए होते हैं, इनको छूकर आराम से कोई भी वर्ड को पहचान सकता है अगर उसको ब्रेल आती है तो, क्योंकि ये डॉट है थोड़े से उभरे हुए रहते हैं, इन पैटर्न्स को छू के वो ब्रेल शीट पर आराम से पहचान लेगा कि क्या लिखा हुआ है अगर उसको ब्रेल आती है तो। नेक्स्ट, विजुअली इम्पैर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगनिंग विद लेटर्स द स्पेशल कैरेक्टर्स एंड लेटर कॉम्बिनेशंस। अब कोई भी विजुअली इम्पैर्ड पर्सन अगर वो ब्रेल सीखने जाएगा तो वो कहाँ से शुरुआत करेगा, वो लेटर से शुरुआत करेगा, उसके बाद उसको स्पेशल कैरेक्टर सिखाए जाएंगे, उसके बाद उसको लेटर कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है। जैसे हमको सिखाया जाता है, पहले हमको अक्षर सिखाए जाते हैं, फिर अक्षरों के जो कुछ अलग अलग सिंबल होते हैं वो सिखाए जाते हैं, उसके बाद सबको अक्षरों को जोड़ के फिर शब्द बनाना सिखाया जाता है, वैसे ही ब्रेल सिस्टम में भी सेम मेथड यूज़ होता है। मेथड्स डिपेंड्स अपॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टचिंग। अभी जो मेथड्स हैं अलग अलग मेथड्स के जरिए सिखाया जाएगा, हमेशा एक मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता है, तो अलग अलग मेथड यूज़ किया जा सकते हैं। अलग अलग मेथड है कि कोई पर्सन है कैसे टचिंग को पहचान पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं। ईच कैरेक्टर हैज़ टू बी मेमोराइज, और इसका हर कैरेक्टर है ब्रेल स्क्रिप्ट का हर लेटर है वो याद करना पड़ता है जो भी ब्रेल सीखता है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई हैंड और बाई मशीन, और ब्रेल के जो टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट हैं ब्रेल के जो सिम्बल्स हैं, या तो ये हैंड से बनाया सकते हैं और मशीन से भी बनाए जा सकते हैं। टाइप राइटर लाइक डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड, और आज के टाइम पे ब्रेल लिपि को लिखने वाले, टाइप करने वाले टाइप राइटर्स और मशीन्स हैं वो डेवलप हो गई हैं, पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हैं। नेक्स्ट, सम विजुअली इम्पायर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट, और आज के अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे विजुअली इम्पायर्ड इंडियंस हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। दिवंकर अ चाइल्ड प्रोडिजी हैज़ गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर। दिवंकर नाम का एक बच्चा है जो कि सिंगिंग के अंदर बहुत गिफ्टेड है, प्रोडिजी मतलब बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, बहुत से टैलेंट है उसके अंदर, तो बहुत अमेजिंग सिंगर है। उसके अलावा रविंद्र जैन बोर्न कम्प्लीटली विजुअली इम्पायर्ड ऑब्टेन हिज संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम अहलाबाद। तो रविंद्र जैन नाम का एक पर्सन है जो कि विजुअली इम्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने अपनी जो है एक संगीत प्रभाकर की डिग्री हासिल की है अहलाहाबाद से। ही हैज़ शोन हिज एक्सलेंस एज अ लिरिसिस्ट सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर, और उन्होंने अपना जो टैलेंट है वो शो किया है कि वो बहुत अच्छा लिरिसिस्ट है, मतलब लिरिक्स लिखते हैं, गाने के बोल लिखते हैं, बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक वो कंपोज कर देते हैं, बना देते हैं, सो ये उनके टैलेंट है। नेक्स्ट इज लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पायर्ड एस्टैब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड इन इंडिया। लाल अडवाणी नाम के एक पर्सन है जो खुद विजुअली इम्पायर्ड थे, लेकिन उन्होंने एक एसोसिएशन स्थापित किया, बनाया एस्टैब्लिश किया, जो कि स्पेशल एजुकेशन और जो डिसेबल्ड पर्सन है इंडिया के अंदर उनके एजुकेशन के लिए और उनके वापस से जो है रह रहे पाए उनके पुनर्वास के लिए काम करता है। बिसाइड दिस ही रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन ब्रेल प्रॉब्लम्स इन यूनेस्को, और उन्होंने ही इंडिया को ब्रेल प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को के अंदर, मतलब यूनेस्को में इंडिया की तरफ से गए थे ब्रेल की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव हेलन ए केलर, एन अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर, इज परहैप्स द मोस्ट वेल नोन इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन। अगर हम बात करें हेलन केलर की, वो अमेरिकन थी, अमेरिकन ऑथर और लेक्चरर थी जो कि खुद विजुअली इम्पायर्ड थी, और उनको बहुत ही वेल नोन है और इंस्पायरिंग विजुअली चैलेंज पर्सन है।
शी लॉस्ट हर साइट व्हेन शी वॉज ओनली 18 मंथ ओल्ड. जब वो 18 महीने की थी तब उनको बुखार हुआ जिसकी वजह से उनकी आई साइट थी वो चली गई. बट बिकॉज ऑफ हर रिजॉल्व एंड करेज शी कुड कम्प्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. लेकिन उनकी हिम्मत और हौसला था जिसकी वजह से वो क्या कर पाई, अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर पाई एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से. She wrote a number of books including The Story of My Life 1903 में उनकी बुक आई थी स्टोरी ऑफ माई लाइफ. और इसके अलावा भी उन्होंने कई बुक है वो लिखी और पब्लिश हुई उनकी बुक्स. तो हेलन केलर है बहुत वेल नोन पर्सन है जो कि जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है कि आप में कोई कमी हो इसके ये मतलब नहीं कि आप में कुछ आप कुछ कर नहीं सकते हो. अगर आप में कमी है तो उसको एक चैलेंज की तरह लो और आप जो कर सकते हो अपनी टैलेंट को और निखारो और उसको आप उसके बाद आप सक्सेस हासिल कर सकते हो. सो दिस इज योर चैप्टर कम्प्लीटेड. एंड इस कीवर्ड है उसके अलावा आपके जो आपने जो है अब तक इस चैप्टर में क्या क्या है वो सारा इसका आप देख सकते हो. सो व्हाट इज़ योर होमवर्क. योर होमवर्क फॉर टुडे इज़ टू सर्च क्वेश्चन आंसर एंड डू एक्सरसाइज इन बुक. सो हियर इज़ द चैप्टर कंप्लीटेड. सो आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है एंड इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.